गुड मॉर्निंग, मैं हूँ सरिता। मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो हम लोग विलेज से आ गए हैं। आप लोग मेरा पीछे का बैकग्राउंड देख सकते हैं, मैं अभी भुवनेश्वर में हूँ। वीडियो में अपलोड नहीं कर पाई, वहाँ पे गांव में थोड़ा सा टाइम नहीं मिला। तो हमारा पूरा जो काम था, जिस काम के लिए हम लोग गए थे, वो पूरा ख़त्म हो गया। तो अगले दिन ख़त्म करके हम लोग वापस आ गए। तो वहाँ पे एक तो नेटवर्क का बहुत इशू था, इतना अच्छे से नेट चल ही नहीं रहा था। और बार बार वही, मतलब काम इधर उधर जाओ, तो उस टाइम पे मैं एडिटिंग नहीं कर पाई और अपलोड भी नहीं कर पाई कि गांव में क्या क्या हुआ। तो ज़्यादा तो शूट करना पॉसिबल नहीं था मेरे लिए, तो इसीलिए ज़्यादा शूट नहीं कर पाई हूँ। और मैं अपना ट्राइपॉड भी लेके नहीं आई हूँ। और उस दिन, जिस दिन हमारा काम था, तो उस दिन गर्मी बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा। मतलब ट्यूसडे के दिन, आज तो थर्सडे हो गया है, और इतना गर्मी में तो हर चीज़, छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रख के, फिर हर, मतलब हर चीज़ पे मोबाइल को हाथ से पकड़ के शूट करना इतना पॉसिबल नहीं था। तो जितना हो सके मैंने थोड़ा थोड़ा शूट किया है। और उस दिन पूजा में मुझे मतलब साड़ी पहन के प्रसाद वगैरह सब कुछ सर्व करना था, जो कि जिसको हम ओडिया में बोलते हैं पिंड बाढ़ीवा। तो वो सब मेरा हो गया। मुझे बहुत मन था कि साड़ी पहन ही रही हूँ तो जो मैं प्रसाद सर्व कर रही हूँ उसका थोड़ा सा वीडियो शूट हो जाए। पर प्रदीप भी, वो भी पूजा में बैठे थे, मैं भी बैठी थी, तो पॉसिबल नहीं था। और बाकी सब घर के लोग, बाकी सारे बहुत सारे बिजी थे, और मेरे जो देवर है वो भी जाते तो थोड़ा बहुत वो भी शूट कर लेते, पर वो गाँव गए ही नहीं थे, उनको ऑफिस से छुट्टी नहीं मिला था। तो ऐसे करके जितना हो सके थोड़ा थोड़ा मैंने शूट किया है, वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, वो वाला वीडियो। और हम लोग अगले दिन, जैसे कि हमारा, मतलब ट्यूसडे को हमारा जैसे काम ख़त्म हो गया, फिर वेंसडे को, ट्यूसडे को रात को हम लोगों का आने का प्लानिंग था। पर हर कोई बोले कि मतलब जिस दिन ये पिंडो बाड़ी में ये जो काम होता है, तो हम उस दिन रात को जाते नहीं है, वो जाते नहीं है। तो हम लोग फिर आए नहीं। फिर अगले दिन ब्रेकफास्ट करके, ऐसे करके, मतलब हम ब्रेकफास्ट करके हम लोगों को निकल जाना था, तो ऐसे ऐसे करके लेट हो गया। तो हम लोग भुवनेश्वर पहुँचे वेंसडे को, आज तो है थर्सडे, कल ही पहुँचे। और पहुँचते पहुँचते शाम का 4 बज गया था। हम लोग रास्ते में दही बड़ा वगैरह खा के आ गए। और वहाँ रास्ते से क्या क्या मैं लेके आई हूँ उसका थोड़ा सा मैंने शूट किया है, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और थोड़ा सा वो ट्यूसडे का दिन का गांव का वीडियो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा तो फिर मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए फिर आप लोग व्लॉग देखिए और इन्जॉय कीजिए, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसा लग रहा है मेरा वीडियो। सुबह का टाइम है, नहाना हो चुका था, बाकी सब भी घर वाले नहा लिए थे। और यहाँ का घर का थोड़ा थोड़ा वीडियो मैं शूट कर रही हूँ। ये देखिए मम्मी जी यहाँ से आ रही है, मतलब कुछ किचन में कुछ करना था उनको, तो सामान वगैरह कुछ लेके आ रही है। और ये है, मतलब बगीचा जो है वहाँ का रास्ता है जाने के लिए। यहाँ पे मिट्टी का चूल्हा भी बनाया हुआ है, ज़्यादा मैं उस तरफ नहीं गई और इसीलिए थोड़ा थोड़ा शूट किया है। पेड़ पौधा भी लगाया हुआ है। और ये भी जो एरिया है, तुलसी का पौधा है, यहाँ पे कपड़ा सुखाने के लिए जगह है, बहुत बड़ा एरिया है ये तो। अंदर पूरा मतलब घर जाने के लिए है, घर का भी आप लोगों को थोड़ा सा दिखाऊंगी। और ये है उनका पूजा रूम, आप लोगों को दिखाती हूँ मैं। मुकादी साई लेनी, उन्होंने मुझे बोला कि माथा टेकने के लिए, तो यहाँ पे मैं माथा टेक रही हूँ। पूजा रूम काफी बड़ा है और काफी सारे भगवान जी को पूजा कर रहे हैं यहाँ पे, जो प्रदीप की जो ग्रैंड मदर है। और ये चलिए फिर
और एक जगह मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, जहाँ पे कि हमारा जो खाने के लिए जितने सारे लोग आने वाले थे उनके लिए जहाँ पे कुकिंग हो रहा है उसका वीडियो थोड़ा सा शूट किया है। ये देखिए यहाँ पे कुकिंग चल रहा है। हम लोगों को उस दिन बिना प्याज लहसुन के सब कुछ खाना था, तो यहाँ पे पूरा मतलब विदाउट ऑनियन गार्लिक उपमा बन रहा है। एक मतलब एक कोई कुक आया था जो कि मतलब खाना बनाने के लिए स्पेशली, तो यहाँ पे ग्रैंड मदर भी कुछ कर रही है। चलिए फिर आप लोगों को घर का भी थोड़ा सा वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। पूरा घर का तो दिखा नहीं पाऊँगी, बस थोड़ा थोड़ा ही दिखाऊँगी। चलिए फिर घर के अंदर चलते हैं। यहाँ पे ये जो लेडी आई हुई है वो बर्तन धोने के लिए, मतलब जैसे फैमिली मेम्बर की तरह है वो। ये ऊपर जाने के लिए एक रास्ता है, एक ही रूम बनाया हुआ है और ऊपर छत भी है। और ये मतलब बगीचे की तरफ जाने के लिए ये पूरा रास्ता है। ये एक रूम है, एक रूम है और ये थर्ड रूम है, तीन रूम टोटल है। और ये है किचन। सी कौन सब रोसे बस कि सही ठीक करिवे बाहर करा हमने बड़ा रोसे गुड़ा एथे से हमें घर कौन कौन हम भिंडी भजा सारू कदमी भजा सारू सारू कदमी खम्बल भजा भिंडी भजा भात डाली डाली हम कि ये है पूरा किचन का वीडियो। प्रसाद के लिए मम्मी जी कुछ बना रही हैं, चावल मुझे बनाना था तो यहाँ पे सब्जी वगैरह काट रही है वो। आई टिके गोटे जगह बस पड़ा गोटा घर लोग देखी तु बोली गोटा गोल मरच हाँ गोटा गोल मरच खोज मुझे देखी गोटा गोल मरच मत पचार इधर आओ तुम, मैं तो बैठ बैठो बस पैर उधर करो अब तो आ सकते हो ना। सो गए ना, थोड़ा घूम जाओ। कुकुर बेड़ी
ସବୁ ପଳେଇ ଆସିଛି ସେଠୁ କିଛି ନାହିଁ ଆଉ ଖା ଯେତିକି ଖାଇବା କଥା ଯେତିକି ଅଛି ସବୁ ଏଇଠି ଏଇଠି ଅଛି ସବୁ ଖାଇବା ଚର୍ବି କାଇ ଚାନ୍ଦ କି ମଜା ଆଏ ନା कॉलेज के बाद तुम कौन से कॉलेज में पढ़ने लगे? दिल्ली। गांव से भुवनेश्वर आते टाइम हम लोगों को थोड़ा थोड़ा सब्जी लेने के लिए मिल गया था। तो यहाँ पे ये देखिए बहुत ही छोटा छोटा बैंगन है, इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा काटा है, ये खाने के लिए बहुत ही टेस्टी लगता है। तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं कंटे मुंडी बैंगन, क्योंकि ब्रिंजल को उड़िया में बैंगन ही बोलते हैं। और इतना छोटा वाला मैंने देखा नहीं था, इसका थोड़ा सा बड़ा साइज मैंने देखा भी था और खाया भी था, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और लेकिन इतना छोटा वाला जैसे कि मतलब बेर की तरह दिखना, पता नहीं, वो तो दुकानदार बोला कि जितना छोटा उतना टेस्टी। तो इसका प्राइस ज़्यादा नहीं था, किलो 50 रुपीज़ था, तो हम लोग इसमें से आधा किलो लेके आए। पता नहीं इसको अभी मतलब मेरे सासू माँ है वो उसको फ्राई करने वाली है, मैंने कभी बनाया नहीं इसको। और ये हमारा लोकल मशरूम है जो कि खाली उड़ीसा में ही मिलता है और कहीं पे मिलता नहीं है। इसमें से हम लेके आए 1 किलो वाटर राइस खाने के लिए। और ये देखिए इसको हम बोलते हैं लिया, जो कि मतलब इसको दूध में डाल के खाओ तो फिर छेना की तरह लगता है। ये बहुत ही लाइट वेट रहता है, खाने के लिए टेस्टी लगता है, इसमें से भी लेके आए। और ये है उसको बोलते हैं उड़िया में हुडुम्बा, जिसको कि हम फ्राई करके भी खा सकते हैं, प्याज के साथ छोंक लगा के खा सकते हैं, मिक्सचर डाल के भी खा सकते हैं। बहुत ही लाइट वेट है और खाने के लिए बहुत ही टेस्टी लगता है, गांव के एरिया में मिलता है। इसमें से 1 किलो में लेके आए। ब्रिंजल यहाँ पे मम्मी जी जो है काट रही है, इसका डंठन हटा के बस इसको एक स्लिट लगाना है। ये बहुत ही छोटा छोटा है और इसका टुकड़ा टुकड़ा करके नहीं काटना है, ऐसे ही काट के फिर इसको फ्राई करना है। और रात के खाने के लिए हम लोगों का वाटर राइस का प्लानिंग था, यहाँ पे मशरूम को मैं फ्राई कर रही हूँ और यहाँ पे चावल बन रहा है। हम लोग दिन भर चावल नहीं खाए थे तो इसलिए प्लानिंग था कि रात को वाटर राइस खाएँगे सब मिल के। हमारे उड़िया में अगर एक टाइम हम लोग चावल ना खाए तो फिर ऐसा लगता है कि खाए ही क्या, कुछ नहीं खाए। तो उसी हिसाब से वाटर राइस का प्लानिंग था। यहाँ पे ऑयल डाल के छोंक डाल दिया है, साथ में सूखी लाल मिर्च और यहाँ पे ब्रिंजल डाल दिया है। और ब्रिंजल के साथ साथ हम इसमें डाल देंगे नमक और हल्दी और इसको थोड़ा सा पानी डाल के हम इसको पूरा अच्छे से फ्राई करेंगे। थोड़ा मतलब नॉर्मल हमारा जो हाइब्रिड ब्रिंजल है उससे थोड़ा सा टाइम लगता है इसको कुक होने के लिए, तो इसलिए इसमें थोड़ा सा पानी हम ऐड करेंगे ताकि हमारा जो ब्रिंजल है वो कुक होने के लिए मतलब इजीली कुक हो जाए। तो नमक हल्दी डालने के बाद इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। वाटर राइस खाने के लिए हमारा ये ब्रिंजल बन रहा है, मशरूम बन रहा है और साथ में मिक्सचर भी था और वो छोटा वाला प्याज जो लेके आए थे वो भी था। और इसको कवर करके हम उसको फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे हमारा बन चुका है, तो यहाँ पे मेरे ससुर जो है वो खा रहे हैं और यहाँ पे मेरी सासू माँ का इधर मतलब सर्व करके रखा है, वो भी खाने के लिए आएंगे। तो यहाँ पे हम लोग बेडरूम में खाने वाले थे, मेरा देवर और प्रदीप और मैं। तो हम लुण पड़ी भातर मो डबाटा नहीं क्या आणु चाणु बो लुण डबाटा देदेव
हेलो।